तो हे गाइस, अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी M13 मोबाइल है और आप उसमें जो है स्क्रीनशॉट को नहीं ले पा रहे हो, यानी कि कोई भी स्क्रीनशॉट का तरीका आपको नहीं पता है, तो इस वीडियो में मैं आपको तीन तरीके बताने वाला हूँ, जिसमें से एक तरीका इतना अच्छा है कि आप उसको देखते ही जो है कहोगे कि हाँ ये तरीका बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको वो तरीका पसंद आए तो कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन से तीन तरीके हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलता है पावर बटन प्लस वॉल्यूम के डाउन बटन, इन दोनों बटनों को एक साथ प्रेस करोगे तो यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट हो गया। इस तरीके से आप, ये पहला तरीका आपका हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये तरीका देखिए साइड बार मेरे में है, तो यहाँ पर साइड बार को जैसे मैंने स्लाइड किया तो यहाँ पर टेक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ गया, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट टेक हो गया। तो इसी तरीके से अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ। तीसरा तरीका दोस्तों इतना अच्छा है, तो आप देखोगे यहाँ पर मैं फिंगर को इस तरीके से करता हूँ, यानी कि एक फिंगर को मैं यहाँ पर जो है इस तरीके से कर रहा हूँ तो स्क्रीनशॉट हो रही है, यानी कि ये जो है वन फिंगर स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि इस तरीके से, यानी कि ये फिंगर का जो पार्ट है ये लगना चाहिए तभी स्क्रीनशॉट होगा। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये फिंगर का जो है इसको इस तरीके से रखना है, उस तरह स्लाइड कर देना है। तो देखिए कितनी आसानी से ये जो है स्क्रीनशॉट हो रहा है। तो इसको आपको लेने के लिए करना क्या होगा, सेटिंग कैसे करनी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो साइड बार वाला है इसको इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे की तरफ चले जाना है, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको होम स्क्रीन का, तो आपको होम स्क्रीन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको, देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, सॉरी गाइस आपको होम स्क्रीन में नहीं आना, आपको यहाँ पर जाना है डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में जाने के बाद नीचे की तरफ आना है तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा एडज पैनल, तो आपको इस पैनल पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पैनल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो पैनल्स पर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर जो है आपका तीन, ये आपको स्मार्ट सेलेक्ट, ऐप्स और टास्क, ये तीनों आपको सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट नहीं होंगे तो आपको इनको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, बैक आना है और ये वाला जो ऑप्शन होता है यहाँ पर, ये वाला, इसको आपको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने से ये आपका साइड बार जो ये आ जाएगा, तो इस तरीके से आप साइड बार से स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। तो इस तरीके से गाइस आप यहाँ पर दूसरा तरीका जो है यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको तीसरे तरीके के बारे में बताता हूँ। तो तीसरा तरीका जो वन फिंगर वाला है, इसको यूज करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा देखिए एडवांस फीचर का, तो आपको एडवांस फीचर पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, अभी आपको यहाँ पर मोशन एंड गेस्चर का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है पाम स्वेप टू कैप्चर, इसको आपको इनेबल करना है। इसको इनेबल करते ही आप वन फिंगर से जो है स्क्रीनशॉट ले पाएंगे, यानी कि वन फिंगर को ही आप स्वेप करके स्क्रीनशॉट को ले पाएंगे। तो इस तरीके से गाइस आप यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट को टेक कर सकते हैं।